भाजपा के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का सियासी महत्वाकांक्षा वाले त्याग का विश्लेषण। आज मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि इस त्याग से लाभ किसका हुआ और हानि किसका हुआ। लाभ हानि समझते हैं ना आप, वो लाभ हानि मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सोनिया गांधी का त्याग याद होगा आपको, 1997 तक सोनिया गांधी राजनीति से दूर रही। सितंबर 1996 में सीताराम केसरी सोनिया गांधी की कृपा से ही अध्यक्ष बने और 1998 में भारी फजीहत के साथ सीताराम केसरी का अध्यक्ष पद छीना गया, धोती खोली गई थी सीताराम केसरी की। जयललिता का त्याग 2001 और 2014 में दो बार जेल गई, दोनों बार ओपीएस मुख्यमंत्री बने, परिवहन एवं मुख्यमंत्री बने। जेल से आने के बाद वो चुनाव भी जीती और मुख्यमंत्री भी बनी, यानी इनका त्याग सफल रहा और ओपीएस की भी फजीहत नहीं हुई। लेकिन अब आता हूं मैं हेमंत सोरेन का त्याग। जनवरी 2024 में भ्रष्टाचार के मामले में ये जेल रवाना हो गए और सीएम पद से इन्होंने त्याग दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। लेकिन त्याग पत्र देने के बाद बनाया चंपई बाबू को मुख्यमंत्री, चंपई सोरेन को सीएम बनाया गया। जेल से लौटकर फिर सीएम पद का दावा ठोका, चंपई सोरेन बागी हो गए, नाराज हो गए और अब उन्होंने पार्टी भी बदल ली है। यानी कुल मिलाकर इनको त्याग का उतना लाभ नहीं हुआ। अब मैं आता हूं लालू यादव के त्याग पर। लालू यादव का त्याग क्या था? चारा घोटाले में जेल से पहले 25 जुलाई 1997 को अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया, पार्टी पर परिवारवाद का गहरा ठप्पा लगा। इसके बाद लालू यादव कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उनकी पार्टी की सरकार जरूर आई, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, फिर उनके बेटे डिप्टी सीएम बने, लेकिन या लालू यादव कभी पद पर वापस नहीं लौट पाए। यानी इनके त्याग का भी नतीजा अच्छा नहीं रहा है। और अब आतिशी के लिए अरविंद केजरीवाल ने त्याग किया है। आतिशी पारी क्या आप पर पड़ेगी भारी? आज इसी बड़े सवाल के साथ मैं चर्चा में जाऊंगा। मेरे साथ